परिवार सहित, क्या लगता है प्रदेश में सरकार को लेकर? सबसे पहले तो मैं समस्त धर्मशाला वासियों को और प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। बहुत उत्साह के साथ आज लोकतंत्र का पर्व ये मनाया जा रहा है और सुबह से लोग अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर आकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से हम लोगों में उत्साह देख रहे हैं और जिस उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, स्वाभाविक है कि जो सत्ता पिछले 5 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में रही है, कुशल नेतृत्व रहा है, उस सत्ता के पक्ष में ये फिर से मताधिकार देंगे, अपना जनमत देंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास रखता हूं। और आज मैं स्वयं भी अपने इस पोलिंग स्टेशन में वोट करने के लिए आया हूं और यहां पर देख रहा हूं कि सुबह से लोग जो है लाइन पर खड़ा होकर अपने वोटिंग के लिए आए हुए, अपने परिवार सहित आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मतदान हो और अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए हम अपना जनप्रतिनिधि चुने और अपने विकास का रथ जो है, हम लोग जिस तरह से प्रदेश के अंदर चल रहा है, हमारे धर्मशाला में चल रहा है, इस विकास के रथ को अग्रिम भी हम लोग लेकर जाएं। जिस तरह से भाजपा रिवाज बदलने की बात कह रही है और कांग्रेस जो है ये कह रही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, उसको लेके क्या कहें? देखिए, जिस तरह से हम लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रदेश के अंदर देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जिस तरह से चौमुखी विकास हिमाचल प्रदेश के अंदर कराया है और केंद्र सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग हमारे हिमाचल प्रदेश में मिला, डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छे अपनी तरफ से प्रयत्न किए कि हिमाचल प्रदेश के हर एक कोने में जो है डेवलपमेंटल वर्क्स हों और हम लोग उस चीज़ में यहाँ पर जो है सफल हुए हैं, बहुत हद तक सफल हुए हैं। और इस विकास की गाथा को आगे चलाने के लिए फिर से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनना जरूरी है और इस संदर्भ में मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश की जनता, देवतुल्य जनता जो है भली भांति परिचित है। निश्चित तौर पर वह रिवाज बदलने की कवायद को हम सभी में सहयोग देंगे और हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।